अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन किए उपाय आपकी हर मुश्किल दूर कर सकते हैं। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर अपने संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं। जिन लोगों को संतान नहीं हो पा रही हो उनके लिए ये व्रत विशेष है। इस दिन विशेष उपाय करने से संतान की उन्नति और कल्याण भी होता है। इस बार अहोई अष्टमी 21 अक्टूबर को है। पूजा का शुभ मुहूर्त 21 अक्टूबर 2019 को शाम 5:42 से शाम 6:59 तक। कुल अवधि 1 घंटे 17 मिनट। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व क्या है? अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर अपने संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं। जिन लोगों को संतान नहीं हो पा रही हो उनके लिए ये व्रत विशेष है। जिनकी संतान दीर्घायु ना होती हो या गर्भ में ही नष्ट हो जाती हो उनके लिए भी ये व्रत शुभकारी होता है। सामान्यतः इस दिन विशेष प्रयोग करने से संतान की उन्नति और कल्याण भी होता है। ये उपवास आयुकारक और सौभाग्य कारक होता है। कैसे रखें इस दिन उपवास? प्रातः स्नान करके अहोई की पूजा का संकल्प लें। अहोई माता की आकृति गेरू या लाल रंग से दीवार पर बनाएं। सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर पूजन आरंभ करें। पूजा की सामग्री में एक चांदी या सफेद धातु की अहोई, चांदी की मोती की माला, जल से भरा हुआ कलश, दूध भात, हलवा और पुष्प, दीप आदि रखें। पहले अहोई माता की रोली, पुष्प, दीप से पूजा करें, उन्हें दूध भात अर्पित करें। फिर हाथ में गेहूं के 7 दाने और कुछ दक्षिणा लेकर अहोई की कथा सुने। कथा के बाद माला गले में पहन ले और गेहूं के दाने तथा बयाना सासू माँ को देकर उनका आशीर्वाद ले। अब चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन ग्रहण करें। चांदी की माला को दिवाली के दिन निकालें और जल के छींटे देकर सुरक्षित रख लें।